हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12वीं के प्रथम अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है भारत का वैभवपूर्ण अतीत, यानी कि प्राचीन समय में भारत कैसा रहा था उसके बारे में जानकारी लेंगे। प्राचीन समय से ही भारत एक राजनीतिक इकाई के रूप में रहा था। इसकी जानकारी समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो पार्ट है उसे भारत कहा गया और हम उसके संतति हैं। उत्तरी पार्ट में बदायूं, बदखशां, कुमायूं, तिब्बत, नेपाल, भूटान, सिक्किम आदि के पर्वत श्रेणियां आती हैं और पश्चिमी पार्ट में हिंदू कुश, सुलेमान, सफेद गो, किथर आदि पहाड़ियां हैं जो कि इसे अन्य पार्ट से अलग करती है। इतिहास की बात करें तो उसमें मानव इतिहास के उन सभी टॉपिक्स को हम ऐड करते हैं जिसमें चाहे वो फिर राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, धर्म, दर्शन कोई भी क्षेत्र रहा हो, हम उन सभी को समाहित कर लेते हैं। इतिहासकार इतिहास की रचना करने में उन सभी साक्ष्यों का सहारा लेता है जो हमें प्राप्त हो रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इतिहासकार इतिहास की पुनः रचना करता है। इतिहास को जानने के लिए हमारे पास दो स्रोत हैं, एक पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत। आज की क्लास में हम साहित्यिक स्रोत की चर्चा करेंगे जो हमें लिखित रूप में प्राप्त होता है। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है धार्मिक साहित्य। दूसरा आता है धर्मेतर साहित्य। और तीसरा आता है वंशावलियां। धार्मिक साहित्य में हम फर्स्ट पॉइंट आएगा वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य ज्ञान के अमूल भंडार है, ज्ञान के कोष माने गए हैं। इनसे हमें आर्यों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम वेदों की बात करें तो इसे चार भागों में बांटा गया है। फर्स्ट नंबर पे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त हैं और इसकी रचना छंदों के रूप में की गई है। यजुर्वेद से हमें यज्ञ और कर्म कांडों के बारे में जानकारी मिलती है। सामवेद में संगीत और गायन के बारे में जानकारी मिलती है। इसे विश्व का प्रथम संगीत कोश के नाम से भी जाना गया है। अन्य जो विविध विषय हैं वो अथर्ववेद की श्रेणी में आते हैं। इसके विविध विषयों में रोग निवारण, औषधि विज्ञान, तंत्र मंत्र, जादू टोना, विदेशी आक्रमण आदि विषयों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। वेदों को और सही ढंग से समझने के लिए इसे संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद में रचा गया। वेदों की सही तरीके से व्याख्या करने के लिए संहिता को रचा गया। यज्ञ और कर्म कांडों के बारे में जानकारी लेने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों को रचा गया। आरण्यक का
मेन होता है वन, यानी कि ऋषि और मुनियों द्वारा वन में रहकर जो ज्ञान प्राप्त किया गया और उनको मंत्रों के रूप में रचा गया, उसे हम आरण्य ग्रंथ में रखते हैं। इनसे हमें गूढ़ रहस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर आता है उपनिषद। उपनिषद का मेन होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। इससे हमें नैतिक नियम और आचरण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वेदों को और सही ढंग से समझने के लिए वेदांत साहित्य रचा गया। जिसके 6 पाठ हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इसके बाद ऋषि मुनियों द्वारा स्मृति ग्रंथों की रचना की गई। जिसमें मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। प्राचीन इतिहास को जानने का ये एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके बाद ऋषि मुनियों द्वारा पुराणों की रचना की। पुराणों की संख्या की बात करें तो इसको 18 माना गया है। पुराणों के 5 विषय रहे हैं, पहला है सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर वंश, वंशानुचरित। इनके अलावा महाकाव्य काल भी आया, जिसमें कि रामायण और महाभारत की रचना की गई। वे भी हमारे भारतीय इतिहास को जानने का अभूल्य भंडार है। इसके बाद फ्रेंड्स, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हम बौद्ध साहित्य की बात करेंगे। बौद्ध साहित्य भारतीय इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बौद्ध साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण है पिटकों की 3 संख्या बताई गई है। पहले नंबर पे आता है सुत पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अभिधम पिटक। इनसे हमें बौद्ध धर्म के नैतिक नियम और आचरणों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इनके अलावा भी बौद्ध साहित्य रचा गया था, जैसे कि मिलिंद कन्हो, दीपवंश, महावंश, मिलिंद कनो, यूनानी आक्रमणकारी मिलिंद या मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्ता के बारे में विवरण देता है। दीपवंश और महावंश सिंहलद्वीप के इतिहास की जानकारी देता है। सिंहलद्वीप यानी कि श्रीलंका के बारे में जानकारी देता है।
इसके अलावा भी संस्कृत भाषा में भी बहुत साहित्य रचा गया, जैसे कि महावस्तु। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ललित विस्तार, इसमें महात्मा बुद्ध को देवी शक्ति के रूप में आरोपित करने के लिए बताया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने देखा कि बौद्ध साहित्य में ये सभी वो चीजें हैं जिनसे हम भारतीय इतिहास को बहुत ही अच्छे तरीके से जान सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ व्यक्तियों ने बहुत साहित्य रचा था, जैसे कि अशोक घोष का बुद्ध घोष, अशोक सेन का बुद्ध घोष, सोद्रानंद आदि ने भी बौद्ध साहित्य की रचना की थी। फ्रेंड्स, इसके बाद हम जानेंगे जैन साहित्य। जैन साहित्य में पहले नंबर पे आता है आगम साहित्य। आगम साहित्य में 12 अंग, 12 उपांग, 6 छेद सूत्र, 10 प्रकीर्णन, एक नंदी सूत्र, एक अनियोग द्वार, चार मूल सूत्रों की जानकारी मिलती है। इसके अलावा भी और भी साहित्य जैन धर्म में रचा गया। जैन साहित्य को प्राकृत भाषा में रचा गया था। जहां तक बौद्ध धर्म की बात करें, उसे पाली भाषा में रचा गया था। बौद्ध धर्म के बारे में छोटी सी जानकारी हो कि पहले हमें पिटकों के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि अपने आप में विशेष स्थान रखता है। उसके बाद हमें जातक कथाओं के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म के बारे में जानकारी देते हैं। उनकी संख्या 549 बताई जाती है। जैन धर्म के अंतर्गत अन्य जो साहित्य रचा गया वो है परिशिष्ट पर्वण, आश्राम सूत्र, भगवती सूत्र, अपने आप में विशेष महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही भद्र बाहुचरित्र। परिशिष्ट पर्वन में हमें जैन साधुओं और राजाओं के संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आचरण सूत्र में जैन साधुओं के नैतिक आचरण और व्यवहार के बारे में जानकारी मिलती है। भगवती सूत्र में हमें 16 महाजनपदों के होने की जानकारी प्राप्त होती है। और भद्रबाहु चरित्र में जैन साधु भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय की जानकारी प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में कैसे जैन धर्म अपना लिया था और दक्षिण भारत में कर्नाटक श्रवणबेलगोला में अपने जीवन का अंतिम समय वहां बिताया था और निर्जला पद्धति द्वारा अपने जीवन को समाप्त किया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने पढ़ा धार्मिक साहित्य। ये हमारा धार्मिक साहित्य यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम धर्मेतर साहित्य और वंशावलियों के बारे में जानकारी लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं और अन्य वीडियो बनाऊं और आप तक जानकारी पहुंचा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसके लिए बेल आइकॉन सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।